गृहमंत्री अमित शाह आज अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में मौजूद रहने वाले हैं, जहां सुबह 9 बजे से वो रोड शो करेंगे। अमित शाह अपने रोड शो में गांधीनगर और अहमदाबाद दोनों लोकसभा सीटों को कवर करेंगे। और गृहमंत्री अमित शाह न सिर्फ अपने लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे, बल्कि आज वो अपना नामांकन भी दाखिल करने वाले हैं। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गृहमंत्री अमित शाह अपने लोकसभा क्षेत्र गुजरात के गांधीनगर से कल नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन इससे पहले आज गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में शाह धुआंधार रोड शो करने वाले हैं, जो सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगा। अमित शाह आज जो रोड शो करेंगे, इस रोड शो के जरिए वो गांधीनगर और अहमदाबाद लोकसभा क्षेत्र को कवर करेंगे, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। करीबन सभी मुख्य मुख्य मार्ग से निकलेंगे, सभी लोगों को मिलेंगे और ये रोड शो करीबन 14 किलोमीटर लंबा है। गुजरात के सबसे बड़े मत क्षेत्र, जहां गांधीनगर से आदरणीय अमित भाई जहां चुनाव लड़ते हैं, वहां हमने सभी तरह की तैयारी भी कर चुके हैं। अमित शाह आज सुबह 9 बजे से रोड शो की शुरुआत करेंगे। अमित शाह का रोड शो 14 किलोमीटर तक होगा। रोड शो की शुरुआत एपीएमसी सर्कल से होगी, जो नाला सरोवर चौक सानंद अहमदाबाद तक जाएगा। इसके बाद सुबह 10:15 बजे रोड शो गांधीनगर के जेपी गेट से टावर चौक कलोल तक होगा, जो लगातार जारी रहेगा। शाम 4 बजे अमित शाह का रोड शो अहमदाबाद के सरदार पटेल चौक पहुंचेगा, जहां से अहमदाबाद की 4 विधानसभा से होकर गुजरेगा। शाह का रोड शो राणी, घाट लोडिया, नारायणपुरा होते हुए वैजलपुर पहुंचेगा और यहीं पर रोड शो का समापन होगा। इसके बाद अमित शाह रात 8 बजे अहमदाबाद के वेजलपुर में ही बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। आज के दिन भव्य रोड शो करने के बाद 19 अप्रैल यानी कल वो अपने लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में नामांकन दाखिल करेंगे। गांधीनगर लोकसभा सीट पर 7 मई को मतदान होना है।